1963 कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स के सरहद पर बने एक टाउन में रहने वाली 17 साल की एक लड़की लिंडा पोर्टर खुद को एक अजीब से स्पेसक्राफ्ट में पाती है जहां कुछ ग्रे कलर के जीव उसे घेरे हुए थे और फिर जब हिप्नोसिस के जरिए उस रात की यादें लिंडा के दिमाग से निकाली जाती हैं तो सब हैरान रह जाते हैं आखिर उस रात लिंडा पोर्टर के साथ क्या हुआ था और वो उस यूएफओ में कैसे पहुंची और वो एलियंस इंसानों पर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा साबित होगा इन सभी सवालों के जवाबों के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक हेलो हे दोस्तों लिंडा हिप्नोसिस में बताती हैं एक छोटा सा जीव जो एक ग्रे कलर के एलियन जैसा था वो लिंडा को एक लाइट से भरे कमरे में ले जाता है जहां लिंडा को एक और एलियन जैसा जीव दिखता है जो पहले वाले से काफी लंबा था अब दोस्तों वो चीज जो इस एलियन एब्डक्शन को और भी ज्यादा रियल बनाती है वो ये है कि ये घटना 1963 की है और उस समय एलियन एब्डक्शन जैसी चीजें दुनिया के बीच ज्यादा फेमस और पॉपुलर नहीं थी जिसका मतलब है कि उस समय कोई भी इंसान ऐसे झूठे दावे कर फेमस तो नहीं हो सकता था और लिंडा पोर्टर ये दावा करती हैं कि उनके 20s में उन्होंने इन एलियंस के द्वारा ऐसे और भी एलियन एब्डक्शन को एक्सपीरियंस किया है लेकिन जब लिंडा पोर्टर 45 साल की होती हैं तो ये केस एक नया मोड़ ले लेता है आखिरकार लिंडा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउस से मिलती है और उन्हें अपनी सारी दास्तान बताती है फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन दुनिया को बताती है कि उन्हें लिंडा पोर्टर द्वारा भेजे गए एक लेटर मिलता है जो उनके होश उड़ा देता है क्योंकि उस लेटर में बहुत सी ड्राइंग होती है और इन ड्राइंग्स को जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन की बुक ग्लिम्स ऑफ अदर रियलिटी जो कि लिंडा पोर्टर के ऊपर बेस्ड है उसमें भी देखा जा सकता है उसमें से सबसे स्ट्रेंज ड्राइंग थी एक 8 फीट के प्रेइंग मेंटिस की दोस्तों प्रेइंग मेंटिस वो कीड़ा होता है जिसके हाथ आपस में ऐसे जुड़े होते हैं मानो वो जैसे प्रेयर कर रहा हो आम भाषा में आप इसे टिड्ढे की तरह इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हो सकता है कि ये कोई इंटेलिजेंट इंसेक्ट हो जहाँ वो ग्रे कलर वाले एलियंस वर्कर हों जैसे मधुमक्खी के छत्ते में वर्कर्स होते हैं वैसे और वो प्रेइंग मेंटिस जिसे लिंडा पोर्टर ने देखा वो उनका हेड था जो कि बाकी जीवों से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट था दोस्तों लिंडा पोर्टर के अकॉर्डिंग वो एक बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी लिंडा कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं हम ह्यूमंस के अंदर सोल यानी कि आत्मा है जो कि उन जीवों के लिए बहुत ही मिस्टीरियस है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है और वो नॉन ह्यूमंस इंसानों को एक कंटेनर में रखकर स्टडी कर रहे थे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है लिंडा ने वहाँ से 3 सिलेंड्रिकल कंटेनर देखे जिसमें ह्यूमंस थे और अगले 2 से 3 दशकों तक उन नॉन ह्यूमंस के साथ लिंडा का आमना सामना होता रहा लिंडा बताती है कि इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर्स को हम इंसानों के एवोल्यूशन में काफी गहरा इंटरेस्ट है और उन्होंने ये भी बताया कि इन जीवों ने यहाँ करके इंसानों के डीएनए को मैनिपुलेट भी किया है जिससे उन्होंने एक अलग ही तरह के लोगों की एक सीरीज बना दी है जो शायद एवोल्यूशन के साथ हम इंसानों से काफी अलग हो जाएंगे तो क्या वो इंसान जिनके अंदर शायद उन एलियंस का डीएनए भी मौजूद हो सकता है वो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं या उन एलियंस की वजह से हमें और भी इंटेलिजेंट ह्यूमंस मिलेंगे जो ह्यूमैनिटी और इंसानों के लिए एक वरदान साबित होंगे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों यूएफओ हमारी धरती पर आते ही रहते हैं लेकिन हम इंसानों की नजरों से छुप छुप कर ही आया जाया करते हैं लेकिन क्या आपने कभी रियल में देखा है कि यूएफओ कैसे दिखते हैं और उन यूएफओ में किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है अगर नहीं जानते तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देख लो